हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो हम मेनली कंप्यूटर बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, जिनको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता। तो आज के वीडियो में हम उनको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर बिगनर्स को कहाँ से सीखना शुरू करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कंप्यूटर बिगनर्स को यहाँ पर नोटपैड से सीखना शुरू करना चाहिए। अब बात आती है कि हम नोटपैड ओपन कैसे करें। तो नोटपैड ओपन करने का जो पहला तरीका है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करना है। जैसे आप विंडो की यहाँ पर प्रेस करेंगे, इस तरह में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर दिया है टाइप हेयर टू सर्च, आपको यहाँ पर लिख देना है नोट पैड। तो जैसे ही आप नोट पैड यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर नोट पैड ऑप्शन आ जाएगा, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है तो नोट पैड यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करें और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है नोट पैड, और आप यहाँ से ओके करेंगे तो भी यहाँ से नोट पैड ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर नोटपैड की एक फाइल हमने पहले से बनाई है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मान के चल रहे हैं कि आपको नोटपैड पर टाइपिंग करना आता है। दोस्तों, अगर आपको टाइपिंग करने से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल्स वगैरह किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हो, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आते हैं, मान लीजिए हम इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए आप देखें ऊपर एक टैब आपको मिलता है, यहाँ पर फॉर्मेट का टैब बोल सकते हैं, मेन्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखें फॉर्मेट क्या है, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे आना है फॉन्ट। जैसे ही आप फॉन्ट पे आते हैं तो आप देखें यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन आ जाते हैं। इतने सारे फॉन्ट हैं, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ये फॉन्ट हमें चाहिए, तो हम ये फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आता है किस तरह में रखना है, बोल्ड, तो आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड स्लैंट, इस तरह में अलग अलग यहाँ पर डिजाइंस आ जाती है। यहाँ पे आता है साइज, कितना साइज आप रखना चाहते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर कितना है 72 है, मिनिमम कितना है 8 है। तो यहाँ पर आप 20 या 21 या 18 16, इतना साइज आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिर बस आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखें इस तरह में हमारा आ जाता है। अब मान लीजिए आपको फॉन्ट फिर से चेंज करना है, फिर से आपको फॉर्मेट पर आना है, फॉन्ट पर आना है। यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ पर आप कैलिबरी फॉन्ट का यूज़ करें, CALI। तो आप देखें सबसे पहला फॉन्ट यहाँ पर आ जाता है कैलिबरी। यहाँ पर आने के बाद फॉन्ट स्टाइल जहाँ पर दिया है यहाँ पर आपको आना है रेगुलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर साइज आप 22 रखें, बस यहाँ पे आप ओके कर दें। तो आप देखें ये हमारा फॉन्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये तो हो गया कि हमें फॉन्ट वगैरह चेंज करना हो। दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर एक रहता है वर्ड रैप। अब इसका क्या काम है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से टिक हटा दिया तो आप देखेंगे ये लाइन हमारी कहाँ से, हमारी लाइन बहुत दूर तक यहाँ तक जा रही, हमारी लाइन में ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्रेक नहीं आ रहा। ऑटोमेटिक ब्रेक का मतलब है कि हम बिना एंटर की प्रेस करें यहाँ पर नीचे नहीं आ पाएंगे। बाकी अगर यहाँ पर वर्ड रैप लगा है, जैसे यहाँ पर आते हैं फॉर्मेट और यहाँ पर वर्ड रैप हम लगा देते हैं, तो आप देखें ऑटोमेटिक वो लाइन हमारी यहाँ पर नीचे आ रही। तो जब भी आप टाइपिंग करें तो आप वहाँ पर देखें कि वहाँ पर वर्ड रैप लगा हो, क्योंकि वर्ड रैप लगा होगा तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना यहाँ पर टाइप किया है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद दूसरे पर आते हैं एडिट। अगर आप एडिट पर यहाँ पर आएंगे तो आप एडिट पे देखें यहाँ पर कॉपी कट पेस्ट, पहले ये तीनों हमारे मेन। कॉपी का मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ भी अगर आपको कॉपी करना है, मतलब दो जगह आपको रखना है, जैसे हमने कहा ये जो पहली लाइन है हमें इसको कॉपी करना है, तो यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट पे जाना है और यहाँ से कॉपी। अब कहाँ पर आपको पेस्ट करना है, तो हमने कहा हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, नीचे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक एंटर की प्रेस करिएगा और यहाँ पर कंट्रोल वी, आप कंट्रोल वी कर सकते हैं या आप यहाँ पर एडिट पर भी आए और यहाँ से भी आप पेस्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं। अब कॉपी में क्या है कि वो लाइन हमारी यहाँ पर भी रहेगी और यहाँ पर भी रहेगी। हमने कहा नहीं हम इसको कट करना है, मतलब यहाँ से हटा के हमें दूसरी जगह पेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले कट करने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, एडिट। आप देखें यहाँ पर कट का ऑप्शन है या आप कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। कट करने के बाद कहाँ पर पेस्ट करना है, हमने कहा यहाँ पर पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। तो आप देखें यहाँ पर हमारा पेस्ट हो जाएगा, तो वहाँ से हट के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कॉपी कट अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आए उसके बाद एडिट में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड हमारा होता है पीछे जाने के लिए, जैसे हमें वन स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड करेंगे पीछे आ जाते हैं। आप नोटपैड में वन स्टेप ही पीछे जा सकते हैं, वन से ज़्यादा नहीं, कि आपने नहीं हमें सबसे पीछे जाना है। अब अगर आप कंट्रोल जेड करेंगे देखिए खाली दो स्टेप ही हमारे आ रहे हैं, सही। तो ये हमारा रहता है, तो ये मेन हमारे स्टेप यूज होते हैं, कंट्रोल जेड हो गया, कॉपी कट पेस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई, इतना हमारा हो गया। मान लीजिए कुछ भी अगर आपको डिलीट करना है, तो हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, आप डिलीट बटन भी कीबोर्ड से प्रेस कर दिए तो भी लाइन हमारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी।
अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए और ऑप्शन, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट है, रिप्लेस है। फाइंड रिप्लेस का मतलब हमारे यहाँ पर क्या, कहीं पर आपको कोई भी नाम वगैरह कुछ चेंज करना है, जैसे हमने कहा जहाँ पर वीडियो लिखा है इसको मैं बदलना है, तो हम यहाँ पर आते हैं एडिट, देन यहाँ पर रिप्लेस आ जाते हैं। रिप्लेस आने के बाद हमें यहाँ पर क्या टाइप कर देना है, वीडियो। वीडियो हमें यहाँ पर ढूंढना है किससे रिप्लेस करना है, हमने कहा ऑडियो से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हमने ऑडियो लिखा और यहाँ पर रिप्लेस ऑल। तो आप देखें जहाँ पर वीडियो लिखा था वहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑडियो हो गया। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अगर आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड पर यहाँ पर आइए, हमने कहा यहाँ पर ढूंढना क्या है, हमें ऑडियो ढूंढना है, तो हमने ऑडियो लिखा। फाइंड पर आते हैं तो आप देखिए ऑडियो फाइंड करके यहाँ पर बता रहा है। बहुत बार रहता है कि आपने कोई बड़ा डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई नाम वगैरह आपको ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं फाइंड की मदद से। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, दूसरा फॉन्ट। तीसरा अगर आप आते हैं यहाँ पर व्यू, तो यहाँ पर जूम इन वगैरह होता है कि आपको जूम करना है जूम आउट करना है तो आप कैसे करें। तो यहाँ पर देखें जूम इन के लिए क्या है कंट्रोल प्लस, जूम आउट के लिए क्या है कंट्रोल माइनस। आप कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे तो जूम हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो हमारा जूम आउट हो गया। बस यहाँ पे ध्यान दें प्लस और माइनस जो आपका होगा जिधर जिस साइड नंबर लिखें उस साइड का होगा, मतलब जहाँ पे नंबर लिखें उस साइड का प्लस और माइनस आपको यूज़ करना है जूम इन के लिए और जूम आउट के लिए। प्लस से जूम होगा, माइनस से जूम आउट होगा। फिर आता है कि जो फाइल हमने बनाई है वो फाइल हमें सेव करना है, तो हम सेव कैसे करें। अब मान लीजिए वो फाइल हमें अपने फोल्डर में सेव करना है, तो हम अपने फोल्डर में कैसे सेव करें। तो आप यहाँ फाइल पर आएंगे, यहाँ पर देखें सेव का ऑप्शन दिया है, तो आप सेव पर यहाँ पर आइए। अब हमें कहाँ पे करना है, डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर है। आप देखें यहाँ पर नोट पैड ऑल फाइल नाम से हमें फोल्डर बनाया, हमने यहाँ पर दे दिया नोट पैड न्यू फाइल, ये हमने यहाँ पर नाम दे दिया। बस सेव करेंगे तो वो फाइल हमारी इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं, यहाँ पर आपको फाइल में मिलता है सेव एज। सेव एज हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ भी लिखा, जैसे हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने SS कंप्यूटर क्लासेस लिखा और यहाँ पर हमने कंट्रोल एस किया, तो ये क्या हमारा इसी के ऊपर सेव हो जाएगी। सेम उसी तरह जैसे मान लीजिए आपका घर बना है उसके ऊपर एक मंजिल आप और बना लें, तो जाहिर सी बात है वो हमारा ना उसकी लोकेशन चेंज होगी ना एरिया वगैरह चेंज होगा, बस उसी के ऊपर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, वो होता है सेव करना। पर सेव एस हमारा क्या होता है, मान लीजिए आप दूसरी जगह बना लें, लोकेशन ही चेंज कर लें, आपको डेस्कटॉप पर नहीं डॉक्यूमेंट में सेव करना है, तो वो हमारा सेव एस होता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आते हैं फाइल, हमने कहा हमें सेव एज करना है, सेव एज आप उस जगह पर भी कर सकते हैं, बस आपको नाम चेंज करना है। हमने यहाँ पर दे दिया न्यू फाइल और यहाँ पर लिख दिया टू और यहाँ पर सेव कर देते हैं, तो आप देखें वहाँ पर हमारी दो फाइलें आ जाएंगी। इसको हटा देते हैं यहाँ से, आप देखें यहाँ पर नोट पैड है, तो यहाँ पर देखें दो फाइलें, एक नोट पैड न्यू फाइल, एक नोट पैड न्यू फाइल टू यहाँ पर नाम से हमारे हैं। फिर उसके बाद आते हैं कुछ चीज़ें इसमें और, अगर आप यहाँ पर आएंगे फाइल पर, ओपन होता है कोई फाइल जो आपको है सेव है उसको आपको ओपन करना है, तो आप ओपन कर सकते हैं, हमने कहा हमें इसको ओपन करना है, तो ये ओपन हो जाएगी। फिर आएंगे प्रिंट, अगर आपको प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी बटन प्रेस करिए, तो यहाँ पे प्रिंट वाली विंडो आ जाएगी, तो आप प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, प्रिंटर वगैरह है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोग कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको नोटपैड में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि फॉर्मेट कैसे चेंज करें, फॉन्ट कैसे चेंज करें, वहाँ पर कट कॉपी पेस्ट कैसे होगा, फाइंड कैसे काम करता है, रिप्लेस कैसे काम करता है, फाइल को सेव कैसे करें, फोल्डर में कैसे सेव करें, जो फाइल सेव है उसको ओपन कैसे करें, प्रिंट, बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आज की वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।